यह बात किसी से छुपी नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा सच है मृत्यु। प्रकृति के नियम के अनुसार जिस जीव ने जन्म लिया है उसका मरना तय है। मृत्यु को ना कोई टाल सका है और ना ही कभी कोई टाल पाएगा। हम सब जब अपने किसी चाहने वाले को खोते हैं तो वह हम सबके लिए बहुत दुख का समय होता है। शायद इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपने चाहने वाले से फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। लेकिन इंडोनेशिया के ताना तोराजा गांव में रहने वाले लोगों का कुछ और ही मानना है, जहां पर अन्य लोग किसी के मर जाने पर उनका अंतिम संस्कार करके उन्हें हमेशा के लिए अलविदा कह देते हैं। इंडोनेशिया के ये लोग अपने किसी परिवार के सदस्य के मर जाने पर उन्हें घर पे ही रखते हैं। डेड बॉडी कितने दिनों तक घर पे रहेगी ये निर्भर करता है कि परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है। गरीब लोग या जिनके पास पैसे नहीं हैं वह 1 से 2 हफ्ते तक, मिडिल क्लास लोग महीनों तक, और जो धनवान लोग हैं वो तो सालों तक डेड बॉडी को अपने घर में रखते हैं। अब सवाल उठता है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। आपको बता दें, जहां हम सभी लोगों को लगता है कि अगर किसी इंसान की सांस बंद हो गई है तो वह इस दुनिया को छोड़ के चला गया है, लेकिन इंडोनेशिया के लोगों का मानना है कि उनके सदस्य अभी मरे नहीं हैं, बस बीमार हुए हैं। इसलिए ये लाश की बिल्कुल वैसे ही देखभाल करते हैं जैसे कोई सच में बीमार हो। डेड बॉडी को डेली 2 टाइम का खाना दिया जाता है, पीने के लिए पानी व बाथरूम करने के लिए उनके पास एक बर्तन रखा जाता है। या लोग कहते हैं कि इन्हें लाश से डर नहीं लगता क्योंकि इनका मानना है या इनकी रक्षा करते हैं। साथ ही लाश को एक बीमार इंसान मान के उसकी देखभाल करने से इन्हें इस बात की संतुष्टि होती है कि इनके चाहने वाले अभी मरे नहीं हैं, बस बीमार हुए हैं। अब आपको यह बात खटक रही होगी कि इतने सालों तक यह बॉडी खराब क्यों नहीं होती। दरअसल बॉडी को डीकम्पोज या खराब होने से बचाने के लिए एक ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है, जिस ड्रग का नाम फॉर्मोलिन है, जो बॉडी को लंबे समय तक बचाए रखती है। आप लोग यह भी जानना चाहते होंगे कि आखिर कब तक ये लोग इस बॉडी को अपने घर में रखते हैं। आपको बता दें कि जब तक एक बड़े से अंतिम संस्कार समारोह की व्यवस्था नहीं होती तब तक बॉडी को घर में ही रखा जाता है। अंतिम संस्कार समारोह इनके लिए दुखी का नहीं बल्कि खुशी का समय होता है। इस समारोह में जानवरों की बलि दी जाती है। लेकिन अंतिम संस्कार के बाद भी तो राजा लोगों का रिश्ता उनके मरे सदस्य से ख़त्म नहीं होता। हर साल अगस्त के महीने में पूरा परिवार फिर से एक बार इकट्ठा होता है और लाश को फिर से बाहर निकाला जाता है। बॉडी को बाहर निकालने के बाद उन्हें नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उनके परिवार वाले अपने मरे पूर्वज के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। इस रिवाज को मनाने कहते हैं। साल के इस रिवाज की वजह से छोटे बच्चे अपने परदादा के दादा से भी मिल सकते हैं, जो कि परदादा के जिंदा रहते मुमकिन नहीं होता क्योंकि बच्चे उस समय पैदा ही नहीं हुए थे। जाहिर सी बात है कि ऐसा रिवाज आपको दुनिया के किसी कोने में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए अगस्त में तोराजा गांव में दुनिया भर के पर्यटन आते हैं सिर्फ रिवाज मनाने को देखने। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को दबाएं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।